सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है, तो ये लिखा हुआ है पी आई एल ई को यद एल आई ई पी और एस टी ए आर को ए पी एस आर लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में सी एस एन एस ई एन डी को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे लिखा गया है। अब हम बात करते हैं पी आई एल ई, ये लिखा गया है एल आई ई पी, ये लिखा गया है। तो आप सब जानते ही होंगे, सबसे मेन बात होती है कोडिंग और डिकोडिंग का कोई भी सवाल लगाने के लिए कि एबीसीडी का अल्फाबेट का 26 अक्षर आना चाहिए, उसके बाद में उसका प्लस वैल्यू आना चाहिए। जैसे प्लस वैल्यू का मतलब क्या है कि ए का प्लस वैल्यू 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, ऐसे 26 अक्षर का 26 प्लस वैल्यू होगा। तो अब यहाँ देखते हैं कि पी का प्लस वैल्यू कितना है। तो पी का प्लस वैल्यू 16, आई का 9, एल का 12 और ई का 15। एल का यहाँ 12 हो गया, आई का 9, ई का 5 और पी का 16, यानी वही अंक दिया गया है, बस इसे अलग अलग करके लिख दिया गया है। तो ये इस प्रकार से लिखा है, आई आई हो गया, एल एल, ई ई और पी पी। उसी प्रकार से अब देखते हैं कि ये क्या लिखा गया है, ये सब ये कैसे लिखा गया है। तो एस पी ए आर को लिखा गया है दोस्तों, लिखा गया है इसको ए पी आर एस। तो आप सबको पता ही होगा कि पी का प्लेस वैल्यू 1, एस का प्लेस वैल्यू 19 है और टी का 20 है, ए का 1 है और आर का 18 है। ए का 1, टी का 20, आर का 18, एस का 19, इतना प्लेस वैल्यू है। तो ये इस प्रकार से लिखा गया है, ये टी कर दिया गया है, ए का ए और एस का एस, आर का आर। ठीक इसी प्रकार जैसे इसका किया गया था, तो ये आई आई कर दिया गया था, उसमें टी कर दिया गया है, तो उसी प्रकार अब हम देखेंगे कि आगे ये शब्द कैसे लिखा है। सेंट एस ई एन टी सॉरी डी सेंड। अब सेंड को क्या लिखा गया है, तो ये एस का प्लेस वैल्यू 19 है, ई का 5 है और एन का 14 है, डी का 4 है। तो यहाँ पर ई और यहाँ ई हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ टी और टी सेम था, फिर यहाँ पर ई एन और एम, यहाँ पर डी और यहाँ पर एस। इस प्रकार से ये सेम एन एस और डी इस प्रकार से लिखा गया है, तो ये हमारा सही है। तो उसी प्रकार से अब हमें देखना ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो देखते हैं, किसी निश्चित कोड में जे ओ यू आर एन ई वाई को टी एन आई एस एफ नहीं टी एन आई एस जेड एफ ओ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एम ई डी आई सी ए एल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं कि ये कैसे लिखा गया है। अब बात करते हैं, जैसे
एम का प्लस बलू 13 होता है, ई का 5, डी का 4, आई का 9, सी का 3, ए का 1 और एल का प्लस बलू 12 होता है। तो अभी हमें ये नहीं देखना है, अभी हमें ये देखना है। तो जे ओ यू आर एन ई वाई लिखा गया है और अब इसको लिखा गया है टी एन आई एस जेड एफ और ओ। इस प्रकार से हमें लिखा गया है। तो देखना यह है जे का प्लेस बलू हमेशा 10 ही होता है, ये न घटने वाला है न बढ़ने वाला। प्लेस बलू ऐसा है कि माइनस प्लस नहीं होता है। जे का 10, ओ का 15, यू का 21, आर का 18, एम का 14, ई का 5 और वाई का प्लेस वैल्यू 25 होता है। टी का 20, एम का 14, आई का 9, एस का 5, एस का 19, जेड का 26, एफ का 7, सॉरी एफ का 6, ओ का 15। तो उसी प्रकार से देखना क्या है कि इसमें सेम क्या है। तो देखते हैं, ये है वाई को जेड से मिलाया गया है और एम का ओ से, एम का ओ से एक प्लस करके, ई का एफ से, आर का एस से, आर का एस से और यू का टी से, ओ का एन से और जे का आई से। इस प्रकार से लिखा गया है, यानी इसमें